एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL, ये चारों कंपनीज आज के समय में इंडिया में बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से काम कर रही है और हर एक कंपनी का विजन यहाँ पे अलग है, काम अलग डायरेक्शन में कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं BSNL के बारे में। BSNL देखा है तो सबसे बड़ा प्लेयर आज के समय में निकल के सामने आया। अगर मैं अगस्त 2024 का डेटा देखूं, BSNL ने 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। और इसके कंपैरिजन में जियो, इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसने 40 लाख सब्सक्राइबर को लूज किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, एयरटेल की बात करें तो 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर को लूज किया है और वोडाफोन आइडिया ने 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर को लूज किया, जो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके साथ ही बात करें तो इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में बहुत ही सही चीज चल रही है, वो है 6G से रिलेटेड। अब आप पूछोगे कि इंडिया में अभी तो 5G और मैं 6G की यहाँ पर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखा तो भारत 6G विजन नाम से एक चीज यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई है, जिसके अंदर इंडिया की इंस्टीट्यूशन, साइंटिस्ट, रिसर्चर, यहाँ तक कि कुछ कंपनीज भी यहाँ पर काम करेंगी आपके 6G के अंदर इंडिया में। बेसिकली यहाँ पर बात है कि ग्लोबल लेवल पे स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना है और एम रखा गया है कि इंडिया से भी एटलीस्ट स्टैंडर्ड जो रहते हैं उसका इनपुट यहाँ पे जाए, क्योंकि अभी तक 2G, 3G, 4G का अगर हम देखें तो इसके जो स्टैंडर्ड्स जो डिसाइड किए गए थे ये ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंट्रीज और उनके रिसर्चर्स ने करे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो कि 6G के लिए आपको रिसर्च पेपर भी इंडिया से देखने को मिलेगा। इस डायरेक्शन में जियो ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और जियो की स्पेशलिटी यहाँ पर ये कि वो लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं 6G के यूज केसेस के ऊपर। क्या वो स्मार्टफोन होंगे, क्या वो कोई वेयरेबल डिवाइस होगा, क्या वो कोई XR डिवाइस होगा, कई सारी चीजों के ऊपर। और देख के ऐसा लगता है कि 6G को इस तरीके से बनाया जाएगा जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल भी रहे, तो ये एक अच्छी चीज रहेगी। और इसके साथ ही ये भी डिसाइड किया गया है कि पूरे दुनिया में जितने भी पेटेंट्स आएंगे उसमें से कम 10% पेटेंट्स ऐसे जो इंडिया से निकले, जो देखा तो टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में हम अच्छा काम करेंगे। इसके साथ ही इंडिया के इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो IIT मद्रास ने 6G के 1 THz टेस्ट बेड यूनिट को भी तैयार किया है, जो 6400 MBPS तक ले जा सकता है स्पीड्स को। और इसके साथ ही ये जो चीज है ये अचीव कर सकते हैं स्पीड 200 GBPS की भी। लेकिन वही बात करें तो इंडिया में 6G की कहानी बहुत ज्यादा दूर है, हम लोग 2030 से पहले 6G को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ग्लोबली कहीं भी रोल आउट हो जाए। लेकिन आज से अगर काम होना शुरू हो गया 6G के ऊपर इंडिया में, तो 2030 तक आप मान के रखिए ग्लोबली जब भी 6G यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री होगा 6G के अंदर। क्योंकि 5G के अंदर भी बोला गया था कि इंडिया काफी लेट है, लेकिन इंडिया के अंदर 5G डिप्लॉयमेंट दुनिया के किसी भी कंट्री से ज्यादा तेजी से यहाँ पर हुआ है। इवन BSNL ने भी देखा जाए तो इस समय 50,000 टावर्स को यहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया है। इसके साथ ही BSNL अगले साल May 2025 तक 1,00,000 4G साइट्स को प्लान कर रहा है और इसके लिए वो टेक्नोलॉजी TCS से ले रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से, जिसके अंदर इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को यूज किया जाएगा। हालांकि टेक्नोलॉजी बाहर की होगी लेकिन इंडिया में एक तरह से जो आपका असेंबल्ड होते हैं प्रोडक्ट्स उनको यहाँ पे यूज किया जाएगा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। और इवन यहाँ पे BSNL ने पहली बोल दिया कि ये जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका यूज कर रहे हैं 5G के हिसाब से बैकवर्ड कंपैटिबल होगा और ये लोग यहाँ पे आसान तरीके से 4G और 5G को दोनों ही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और हो सकता है बहुत ही जल्दी आपको 5G भी देखने को मिले BSNL की तरफ से। BSNL का एक बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि नया रूप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हाल ही में उन्होंने अपना नया लोगो दिखाया, इसके साथ ही छोटे से कायोस्क सेंटर वेंडिंग मशीन दिखा रहे हैं जहां पर लोग वेंडिंग मशीन के पास जाके सिम कार्ड्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं बात करूं वोडाफोन आइडिया की तो वो भी पे बहुत तेजी से लगा हुआ है। अगर आप लोग सोच रहे थे कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से आपको 5G कब देखने को मिलेगा, तो यार वो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से दिल्ली और मुंबई के अंदर 5G देखने को मिलेगा मार्च 2025 में और 17 के 17 सर्कल्स में 2025 के अंदर इनका प्लान है कि कैसे तरीके से 5G को इंप्लीमेंट किया जाए। इसके साथ ही एयरटेल के बारे में बात करें तो एयरटेल जहां अभी नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के ऊपर घूम रहा था, एयरटेल अब आने वाले समय में स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क को लेकर आने वाला है और वो लेकर आएगा एयर फाइबर के थ्रू, फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस के थ्रू, जिसके अंदर एयर फाइबर के लिए स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क का यूज करेंगे जहां पर आपको बेटर डाउनलोड और बेटर अपलोड स्पीड देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही TRAI ने बोला था कि कंपनीज को यहाँ पे स्पैम मैसेजेस को कम करने की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहिए और यहाँ पे एयरटेल ने इस साल वही काम किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो स्पैम मैसेजेस होते हैं वहां पे आपको सस्पेक्टेड स्पैम देखने को मिलेगा। इवन अगर आपको स्पैम कॉल आ रही है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा सस्पेक्टेड स्पैम कॉल। एयरटेल AI का यूज कर रहा है और कोई आपको ऐप डाउनलोड नहीं करनी, कोई भी चीज नहीं करनी, ये आपके मोबाइल फोन में डायरेक्टली यहाँ पे काम करेगी, इसलिए एयरटेल ने यहाँ पे इस चीज को काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। इवन जो स्पैम मैसेजिंग होती है इसके लिए BSNL ने भी यहाँ पर काम किया और बाकी कंपनीज की तरफ से भी कुछ ना कुछ आपको नई चीजें यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। जियो के बारे में बात करें तो आज के समय में 6G तो हो गया,
लेकिन वो लोग आज के समय में 4G फीचर फोन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाल ही में जियो भारत नाम से उन्होंने अपने नए फीचर फोन्स को निकाला है जो 4G इनेबल्ड फीचर फोन्स है, जहां पर आप जियो टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जो बेसिकली 2000 रुपए से कम के फीचर फोन के लिए, क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर हर कोई स्मार्टफोन यूज नहीं करता और मेजोरिटी सेक्शन ऐसा है जो आज भी फीचर फोन यूज करता है। और जियो उस फीचर फोन वाले सेगमेंट को यहाँ पे कैप्चअप करने में लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है स्मार्टफोन्स में तो हमने डोमिनेंस ले ली, काम करने की जरूरत है वो है बजट सेगमेंट, बिल्कुल ही फीचर फोन वाला, वहां पे एक काम करो और अफोर्डेबल सेगमेंट में फीचर फोन यहाँ पे प्रोवाइड करो, ताकि एक बार लोग जियो के 4G नेटवर्क पर आ जाए तो धीरे धीरे स्मार्टफोन पर भी अपग्रेड करें। वहीं अक्सर लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि जियो का 5G स्मार्टफोन यहाँ पर कब आएगा। तो जियो का जो 5G स्मार्टफोन यहाँ को कभी भी देखने को ना मिले, क्योंकि जियो की प्रायोरिटी कभी भी 5G स्मार्टफोन बनाने की अब नहीं है। जियो को पता है कि ऑलरेडी जो थर्ड पार्टी कंपनीज है वो अच्छे 5G फोन्स को डेवलप कर रही है और मीडियाटेक भी सस्ते प्रोसेसर्स को निकाल रही है, स्नैपड्रैगन ने भी 4S Gen 2 प्रोसेसर निकाला है और अलग अलग कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अफोर्डेबल रेट में ये लोग फोन निकाल रहे हैं। तो उस मार्केट में जियो को अब कूदने की जरूरत नहीं है, जियो को ना ही 5G फोन बनाने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सस्ते 5G फोन्स हैं। अब स्मार्टफोन कंपनीज ही अपने 5G फोन्स को लेकर आ गई है, उसके लिए कोई 5G फोन निकालने का कोई सेंस बनता नहीं, तो शायद जियो की तरफ से कोई भी 5G फोन यहाँ पर आपको देखने को ना मिले। लेकिन हाँ, जियो की तरफ से कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे जियो अपना जियो टीवी OS ला सकती है, जो कि स्मार्ट टीवी OS होगा, जैसे अभी एंड्रॉइड टीवी या गूगल टीवी OS चलता है ना, बिल्कुल वैसा ही, जिसके प्रोडक्ट्स आपको अगले साल से देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप मल्टीपल OTT एप्स को एंजॉय कर पाएंगे और गूगल प्ले स्टोर की जगह जियो टीवी की जो ऐप स्टोर होगा वहां पे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि जियो स्टोर से एप्स को। ओवरऑल देखा तो इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है वो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। कंपनी जो पिछले कुछ समय में पीछे छूट गई थी उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, चाहे मैं बात करूं BSNL की, उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया। एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो BSNL से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ कमाल करके दिखा दे, या फिर लोगों के पास एक रीजन नहीं था कि BSNL के ऊपर स्विच क्यों करे। हालांकि ये बात मैं मानता हूं कि BSNL का नेटवर्क अभी भी इतना अच्छा नहीं है और BSNL उसको काम कर रही है, उसको एक्टिव कर रही है, बेटर बना रही है, जिसे देख के BSNL का फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है। वोडाफोन आइडिया का भी फ्यूचर मेरे को अच्छा लगता है कि वो लोग भी यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और अपने आप को एक बेटर सर्विस ऑपरेटर के रूप में इवॉल्व कर रहे हैं। और जो डुओपॉली एयरटेल जियो की हो गई थी वो शायद 2025 में हम लोग टूटते हुए देखें, और देखें कि मार्केट में दो की बजाय हमें 4 प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ पर देखी है, कई लोगों का कहना था कि शायद जियो एयरटेल आने वाले समय प्राइस यहाँ पे कम कर दें, क्योंकि लाइसेंस फीस के अंदर कुछ प्राइस रिडक्शन हो सकता है और ये कंज्यूमर के ऊपर पास करेंगे और जो रिचार्जेस के प्लान अभी रिसेंटली महंगे हुए थे उनको सस्ता कर सकते हैं। लेकिन सच बात बताऊं, ये सिर्फ एक रूमर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया किसी का भी प्लान नहीं कि प्राइस रिड्यूस करने का, एक बार प्राइस बढ़ा दिए वो वही रहने वाले हैं, उनके अंदर कोई रिडक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है, आप ये बात मान के रखिए। और प्राइस इंक्रीमेंट आने वाले 1-2 सालों तक और कंटिन्यू देखने को मिलेगा, हर 1-1.5 साल के अंदर। अभी 1-1.5 साल तक ये प्राइसेस चलेंगे, फिर 2026 या 27 में एक और इंक्रीमेंट आएगा। काफी इंटरेस्टिंग माहौल चल रहा है इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन स्पेस का। देखते हैं कि कब आता है BSNL का 5G, वोडाफोन आइडिया का 5G और इंडिया में 6G सबसे पहले कौन सी कंपनी लेकर आती है टेलीकॉम के अंदर, और कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन पहला होता है जो 6G लेकर आता है। लेकिन हाँ, काफी अच्छा लग रहा है, फ्यूचरिस्टिक प्रोमिसेस हमें लग रहे हैं, देखते हैं कितने प्रोमिसेस यहाँ पे डिलीवर कर पाती है कंपनीज। बाय द वे, आप लोगों का इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन मार्केट से अगर कोई ओपिनियन है नीचे अपना शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।